जियो के सिम में टावर नहीं है और इसके मशीन में पावर नहीं। ये साउंड जो बढ़ाता है ना आवाज, इसकी गूंज जाती है। बाबू इतने रहने दो, तुम कम बेसी मत करो, अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे हम। मदीना जाएंगे? अरे जाएंगे, कौन कौन जाएंगे? 5 लाख टका खर्चा कब है? बोले करूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे। 5 लाख या 10 लाख, 10 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख, करोड़ भी खर्चा करना पड़ेगा, इंशाल्लाह करके जाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने हाजी हैं जरा हाथ उठाइए तो, जो हज करके आए हैं। ये बाबा कोई नीचे छे छे, अच्छा नीचे, हाँ एक हक में हमारे हाजी साहब, एक हाजी मोहिनुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ए माशाल्लाह हाजी साहब वहाँ भी हैं, ए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दूजन हो लो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों एक बात याद रखो, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह अगर पैसा दिया है, हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करना, पहली फुर्सत में हज करना, हज माफ नहीं होगा। जैसे नमाज 5 वक्त का नमाज फर्ज है, जैसे रमजान के महीने का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने दौलत दिया है, ये हज आपके ऊपर में फर्ज है। अदा नहीं करेंगे कंजूसी बखीली की वजह से, नीनी मियाँ बाप 4 लाख टका खर्चा है, वे के कर वे 4 लाख टका बचे रहे, जब 2 बीघा जमीन खरीद लूँ, मैं 2 मंजिला मकान ठोके दूँ। अब वहां जो ठोकैया होगा फरिश्ता इतना मारेगा सर का बाले उड़ा देगा, मतलब खूब माल जमा कर आई इस दिन, खूब माल जमा कर आई इस दिन, एटा हिसाब दे। एक बात याद रखिएगा, रोजे नमाज के बारे में 1 सवाल होगा, फरिश्ता पूछेगा नमाज क्या नहीं पढ़ लो, नमाज क्या नहीं पढ़ लो, रोजा के बारे में 1 सवाल, रोजा क्या नहीं रख लो, हज के बारे में 1 सवाल, हज क्या नहीं कर लो, लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, ताकार बारे में 2 सवाल होगे। ताका के बारे में 2 सवाल होगा, पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहाँ से कमाया, एटा हिसाब दिए दो, पैसा कहाँ से कमाया, किधर से कमाया, कैसा कमाया, कैसा पैसा है, ये सूदी कारोबार चलाकर पैसा कमाया, लॉटरी से पैसा कमाया, जुआ से पैसा कमाया, हराम तरीके से पैसा कमाया, किसी की बेईमानी करके पैसा कमाया, इसका हिसाब दो, इसका हिसाब आप दे दिए, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, मेरा बंदा अब इस पैसे को जो तुम जमा किए कहाँ कहाँ खर्चा किए, इसका भी हिसाब दो। डबल सवाल पैसे के बारे में, डबल सवाल होगा माल के बारे में, उलमा फरमाते हैं कि डबल सवाल होगा, इसलिए मुसलमानों अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह अगर पैसा दिया है, आज के ऊपर में आपके ऊपर में हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करो, इंशाल्लाह करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सारा मजमा तैयार। ये शेर अभी बाकी है, मैं शेर आपको सुनाऊं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो ऐसी प्यारी जगह जाते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा मदीना, और कुर्बान जाओ मस्जिद हराम जाएंगे आप, मक्का में मस्जिद हराम 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह 1 लाख रकात नमाज का सवाब देगा, मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह 1 लाख रकात का सवाब देगा। और वहीं से मक्का से 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। हम लोग बोलते नहीं मक्का मदीना छे,
तो मक्का मदीना के दरमियान में दूरी है, फासला है 450 से लेकर 500 किलोमीटर का फासला है। जैसे यहां से कलकत्ता मान लीजिए, इतनी दूरी है, यहां मक्का है वहां मदीना है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा, वहां मस्जिद नबवी है, मदीना में मस्जिद नबवी है, और मस्जिद नबवी में जो एक रकात पढ़ेगा अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। एक हाजी साहब हज करके आए, सोचा कुछ लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। दो चार आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले थे, हाजी साहब गए सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो नमाजी लोगों में से कहा कि भैया तो नहीं पहचान लू, नाम की छो तो बोले मोरू नाम से हाजी अब्दुल गफूर। हज करिए आई, हाँ यही साल तुम्हें हो उसी आई। तो हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि तोर नाम की बाबू, तो उसमें से एक आदमी बोला कि मोर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। अरे भाई हाजी तो सुने थे, ये नमाजी कहाँ जा गया। बोला आप एक मर्तबा हज किए तो अपने नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी, हम दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो हम नमाजी नहीं हो सकते। और एक बात और जहन में रखनी है कि बखीली की वजह से हज नहीं किए, पैसा खर्चा है बे, मी 4 लाख 3 लाख तक का खर्चा नी कोरूम, तो ऐसे लोगों के बारे में सूरह निसा कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। सूरह निसा में मेरा अल्लाह कहता है कि जो कंजूसी करता है, अच्छा बखील जाने ना अपना रा, अरे बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी छे, कतो क्वालिटी छे 4, गिनती करो, हम गिनती करा रहे। बखील कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये भी तो उसी में शामिल हो रहा है। अल्लाह बखीली से बचाए, बखील की सोहबत से बचाए। सूरह निसा अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जो खुद कंजूसी करता है और दूसरों को भी कंजूसी की तलकीन करता है, तो जो लोग अपना माल को छुपाता है, पैसा को छुपाता है, मेरी नाशुकरी करता है, अल्लाह कहता है मेरी नाशुकरी करता है, वो अपनी दौलत को छुपाता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास बहुत दर्दनाक अजाब है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मुसलमानों उलमा फरमाते हैं जे बखील छे, जे कंजूस छे, वहार दोस्ती अल्लाह से नी होवे, अल्लाह से नी होवे। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सखी बनो अल्लाह को छे, हम तुमको माल दिए हैं, हम तुमको दौलत दिए हैं, हम तुमको पैसा दिए हैं, और कुर्बान जाओ खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो बताओ खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा, बोलो भाई। कुरान में 80 जगह, ए बाबू ए बाबू बैठो न, बेटा जाबो ना कि एक तकलीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हो, बोला हाई बोल, बैठ बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हम, बोले बैठ बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो हम नजर पड़ गई, तो इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊँ। हमने कहा कि क्या नहीं जाबे, तो लड़का बोला की करवा जाबे, जे करवा जाए यही छान है गई यार, जवाब जरूरत नहीं है। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। सखी बनो, सुनो उलमा फरमाते हैं कि सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। और कुर्बान जाओ जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, चाहे रहे या ना रहे,
वो करके रहेगा, चाहे जो हो जाए, मदरसा वाला आ जाए उसको भी दे देगा, मस्जिद वाला आ जाए उसको भी दे देगा। अरे है तो दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना यही तो बखीली है, रख कर नहीं देना यही तो कंजूसी है, रख कर नहीं देना यही तो कंजरपनी है, रख करके नहीं देना यही तो मक्खी चूसी की अलामत है। और अल्लाह से मक्खी चूस की दोस्ती नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। ओहो, सखी अल्लाह का दोस्त है। सखी अल्लाह का कौन है? दोस्त है। सखी बनो, सखी को अल्लाह दोस्त बनाता है, सखी को अल्लाह दोस्त बनाता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करो, अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है खर्च करने के लिए, अब क्यों ना हो। मैं, ये मेरा पहला जलसा थोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुन लीजिए, फिर आगे की बातें क्या कहते हैं इंशाल्लाह, कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआइया अशआर थे जो मैंने आप तक, आपकी बारगाह तक, आपके समाज तक पहुंचाई है। तो मैं ये कह रहा था, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। कुरान में 80 जगह, कुरान में 80 जगह, कुरान खोलिए, 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो। कई जगह कहा? क्या कहा? माल खर्च करो। अल्लाह को जे माल खर्च करो, यही कह रहा है जमा करो। अल्लाह को जे माल खर्चा करो, माल खर्च करो, मैंने दिया है खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए मुसलमानों, जमा कर कर के रखने वालों की बारे में बहुत सारी वईदें आई है, जो माल जमा करके रखता है। ओ, माल जमा करके रखता है, जकात नहीं दिया, सदका नहीं निकाला, फितरा नहीं निकाला, ओ कुर्बान जाओ, ना मस्जिद बनाया, ना मदरसा बनाया, सिर्फ माल जमा करके इकट्ठा किया। ओ, कफन में जेब है? अरे कफन में जेब है? कफन में जेब नहीं है, कब्र में कोई अलमारी नहीं है, कब्र में कोई तिजोरी नहीं है। हजरत बरा रदी अल्लाह तआला अनु रिवायत फरमाते हैं कि एक जनाजे में जाने का मौका मिला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जा रहे थे। तो जनाजे में पहुंचे तो जनाजे की नमाज हो गई, मुर्दे को कब्र में रखा गया, मिट्टी बराबर कर दी गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास में बैठ गए। आप रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और आपने इरशाद फरमाया, लोगों इस घर से डरो, इस घर की तैयारी करो, इस घर की तैयारी करो, इसलिए कि इसमें सबको जाना, इसमें सबको जाना है। हमारी, आपने कभी सोचा हमारी क्या तैयारी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता, जो सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता, अल्लाह के रसूल इतने बड़े सखी थे, कुर्बान जाओ जो है ले जाओ, घर में है ले जाओ। कभी कभी ऐसा होता, उलमा फरमाते हैं कि 3-3 महीने हो जाते अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता। आज अल्लाह हमें बिरयानी खिला रहा,
आज अल्लाह हमें पुलाव खिला रहा है फिर भी आखिरत की तैयारी में हम आगे नहीं है। तीन तीन महीने हो जाते चूल्हा नहीं जलता था। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भूख ज्यादा परेशान करती ना, अम्मा आयशा कहती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मैंने देखा कि चारपाई पर पेट के बल लेटे अपने पेट को रगड़ रहे थे। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, खैरियत तो है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा भूख परेशान कर रही, तीन दिन से कुछ खाया नहीं। हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस नबी की उम्मत हैं, भूख ने परेशान कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। लोगों आज हम खा खा के डकारे मार रहे हैं, डकारे मारते हैं। सुनो, ये जो खाना खा करके जो करता है, ओ की खाया लो भैया, आज बहुत खानू, बहुत खानू। डकार मारने वालों के बारे में सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आया डकार लेने लगा, अल्लाह के नबी की बारगाह में आया, अब वो डकार आ गई उसको, उन्होंने डकार लिया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दूर हटो, दूर हटो। और सुनो, जो दुनिया में पेट भर भर कर खाता है, डकारे ले लेकर खाता है, कयामत में सबसे ज्यादा वो भूखा होगा। कयामत में वो सबसे ज्यादा भूखा वही होगा। ये अल्लाह की नेमत है, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो नमाजें भी पढ़ा करो, अल्लाह की नेमत खाते हो तो रोजा भी रखो, अल्लाह की नेमत अगर खाते हो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी भी तो गुजारा करो, तो मेरा क्या हक बनता है? हम अल्लाह की नेमत को खाएं, अल्लाह की नाफरमानी करें, इस जमीन पर रहने का मुझे कोई हक नहीं। हक छे? अरे जमीन में रहने का हक है? जब अल्लाह की नाफरमानी हम करें, मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें, तो हमें इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से हाजतमंद को, जरूरतमंद को ताउन करते देते, भूखे को खाना खिलाते। और कभी कभी ऐसा होता, सवाली आके खड़ा है, पॉकेट में कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, घर में तो चूल्हे ही नहीं जले हैं, कई दिन हो गए, तो आप बेचैन हो जाते कि मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ चला जाए, ये नामुमकिन है। तो बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? बिलाल के कानों में आवाज टकराती, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अनु भागे आते, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ए मेरे सामने एक हाजतमंद आया है, पल्ले तो कुछ है नहीं, इसकी मदद कर दो, किसी यहूदी से कर्जा ले लो, किसी से भी कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब अल्लाह इंतजाम कर देगा मेरे पास होगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। खाली हाथ कोई नहीं लौटता। और हमारा पोजीशन यह है, धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, चाहे रमजान का मौका हो, चाहे कोई ऐसा मौका हो, बाज बाज भाई हमारे दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठा है, देखा कि मौलवी साहब ओसो फुर से अंगन घुसेगा। अब बेटा को बोलेगा, बेटा जा दरवाजा दे, वो मौलवी साहब पूछते हो बाकुयांग योग, बोले दी वो खेतो चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, ये कारी कुरान आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम अज कम ये गिलास पानी दिलाकर, पिलाकर, चाय पिलाकर,
अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन की अल्लाह अकबर कबीरा दुआएं ले लो, अगर उनकी दुआएं लग गई अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। गज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा करने खड़े हुए, आपने सहाबा से कहा कि भाई जिनके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े, सहाबा इकराम दौड़े, इसलिए जिसका हाथ खुला है वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला है वो कभी, अरे भाई बोलो, वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला हुआ है वो कभी मोहताज नहीं होगा। और सुनो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने ये जो हदीस बयान की है उस हदीस पर कसम खाई है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है कि कसम है उस जात की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, कि जिस माल में से, जिस पैसे में से, जिस दौलत में से और कुर्बान जाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। तो मुसलमानों बताओ, कुर्बान जाओ जिस हदीस के बारे में अल्लाह के रसूल ने कसम खाई हो वह हदीस गलत हो सकती है। और एक बात याद रखो, यह जमीन फट सकती है, ये जमीन है, जमीन फट सकती है। हम माने, हम मानते हैं कि ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है। हम ये भी मान सकते हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि आदमी, एक आदमी कहेगा या अल्लाह, मर जाएगा तो कहेगा या अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे मुझे। अच्छा, मरने के बाद वहां से यहां आने की इजाजत है? अरे बोलू ना, इजाजत आछे नहीं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस आदमी से पूछेगा, कहे जाएगा क्यों जाएगा, तो आदमी ये नहीं कहेगा या अल्लाह हम जाके वहां खूब नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हज करेंगे, नहीं। वो आदमी ये कहा कि या अल्लाह मैंने जितना माल जमा किया है दुनिया में सब माल को तेरे नाम पर सदका कर देंगे। क्यों? वो उसका वहां पर सदके की फजीलत अपनी आंखों से देखेगा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में क्या मकाम है, क्या फजीलत है। वो उसको देख कर कहेगा कि अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे, मेरे पास जितनी दौलत है सब तेरे नाम पे मैं सदका कर दूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह कुर्बान जाओ, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर में सदका जारिया है, मदरसा है, मदरसा है, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, कुआं खुदवा दिए, चश्मा करवा दिए, लोग मीठा पानी जब तक पानी पीता रहेगा बनाकर, कुआं बनाकर ट्वेल करवा कर मर गए, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मदरसा दारुल उलूम पिपड़ा बना दिए, जब तक ये धरती पर ये मदरसा चमकता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मस्जिद बना दी है तो सुनो, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो,
मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाह लहू बैतन फिल जन्ना, बुखारी शरीफ की हदीस है। और इसके रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाल्लाह। अच्छा, वो घर किससे बनाएगा? अल्लाह जन्नत में जो घर बनाएगा, मैंने पहले कहा था ये जमीन फट सकती, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा, अरे फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। तो जन्नत में घर कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। किससे बनाएगा? फरिश्तों से। अरे दुनिया में हम मस्जिद किससे बनाते हैं? मजदूर से बनाते हैं ना। अरे भाई मजदूर से बनाते हैं ना, मिस्त्री बनाता है, मजदूर बनाएगा। जन्नत में मेरा घर कौन बनाएगा? तो उलमा ने बहुत अच्छा नुक्ता निकाला, फरिश्ते बनाएंगे। फरिश्तों की कमी है नहीं, मलाइका की कमी है नहीं, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा बनाओ, बनाने लगेगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह मलाइका से कहेगा, मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ, या अल्लाह फिर जन्नत कौन बन, तेरे बंदे का घर कौन बनाएगा? मेरा अल्लाह कहेगा, धरती पर मेरा घर मेरा बंदा बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। सोचने का मकाम है मुसलमानों, जो घर अल्लाह बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा, जो महल मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो महल कितना खूबसूरत होगा, जो इमारत मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 50 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे काम बाकी हैं मेरे भाई। ये मेरी मस्जिद है, ये मस्जिद मेरी है, इसे हम बनाएंगे। मोदी आएगा? अरे बोलो ना भाई, मोदी ये बनाएगा? योगी बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसे बनाना हमें है, चाहे खेत बेच करके हो, चाहे जमीन बेच कर हो, चाहे दुकान बेच करके हो, ये मस्जिद है। एक बात याद रखना मुसलमानों, जिस तरीके से मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये मदरसे हैं, हम हैं, मस्जिद है तो हम हैं। मस्जिद अगर हमारी नहीं रहेगी, मदरसे अगर हमारे नहीं रहेंगे, खानकाह अगर हमारे नहीं रहेंगे, तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाए। इंशाल्लाह है कोई, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। देखिए आप ज्यादा भी दे सकते हैं, आप ज्यादा भी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी दे सकते हैं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 1,500 रुपया देने वाला या 1 क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल धान देने वाला, इस मजमे के अंदर में मुझे 50 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। पहला कोई शख्स है जो अपने हाथों को बुलंद करे, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे माशाल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाल्लाह। ये महरुद्दीन साहब की अहलिया बीबी ज़ैबुन निशा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फागो टोला की सेहत व तंदरुस्ती के लिए 1,000 रुपये, अल्लाह हमारी बहन को मुकम्मल सेहत व तंदरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी वालदेन को जन्नतुल फिरदौस में अला सलामत मकाम अता।